तो हेलो बच्चों, हम करेंगे 15th का सेकंड पार्ट। और राजेश गिरी एंड रविंदर सिंह एंड एमी आर्ट ऑनलाइन ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आंसर गलत है। वाकई में बच्चों, एक आंसर बिल्कुल गलत है और मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में क्या होता है, हम कुछ मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम भी टीचर हैं, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। तो थैंक यू सो मच आप तीनों का कि आपने मुझे रिमाइंड कराया। एक्चुअली क्या होता है कि इतने बिजी रहते हैं कि हम देख नहीं पाते, और काफ़ी देर बाद मैंने इस पर अभी नज़र गई। तो थैंक यू सो मच राजेश। और अब हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। जैसे कि राजेश ने बताया था कि 14 × 14 होता है 196, तो इसको आराम से करते हैं। और बेसिकली मैं अपनी वीडियोस में पहले आपको बता चुका हूँ, जो पहले से देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं काफ़ी इजीली करता हूँ क्वेश्चन को, काफ़ी इजी। मैं इसलिए जल्दीबाजी नहीं करता कैलकुलेशन में, ताकि बच्चों को मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा स्किप, अगर मैं हल्का सा भी एक स्किप कर दूं तो वो भूल जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो मैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप छोटे से छोटे मतलब कोई भी चीज़ स्किप ना करें और आगे चले। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट मेरा आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 14। अब देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए x^4। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो ये आ सकता है, तो मैं इसका 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 होल स्क्वायर करता हूँ। तो देखो x^2 + 1/x² करता हूँ, तो देखो बच्चों ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है a² + b² + 2ab, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ax² का होल स्क्वायर + 1/x² का होल स्क्वायर + 2 × a है मेरा x² एंड b है मेरा 1/x². तो बच्चों देखो, ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, एंड इसके जगह x² + 1/x² की जगह मैं 14 रख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ 14² = x^4 + 1/x² + 2। अब देखो बच्चे, ये प्लस 2 है, इधर आकर आ जाएगा -2, और 14 × 14 होता है 196 -2 x^4 - 1 + 1/x². और बच्चों ये आ जाएगा 190, माइनस करा इससे 6 में से 2, तो हो जाएगा 194। तो देखो x^4 + 1/x² ये आ जाएगा मेरा आंसर 194। तो बच्चों 194 इज करेक्ट आंसर। और थैंक यू सो मच आप तीनों का, जो आपने करेक्शन किया करवाया मुझे। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही वीडियोस में आप कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे पता चलते रहे कि क्या क्या गलतियाँ हैं ना। थैंक यू सो मच।